लेफ्टिनेंट राम, मद्रास रेजिमेंट, सर्विस ईयर 1965। सुनो सीता, यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम योर फ्रेंड जय द लॉर्ड जोर। आज मैंने देखी सीतारमम। इसको देखने के बाद ना कुछ नहीं बचा मेरे पास कहने के लिए। ये मूवी आपको किसी भी हाल में देखनी है। अगर इस मूवी को आपने नहीं देखा ना तो आपने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा। खैर, गहराई में इसकी जम के मैं तारीफ करने वाला हूँ आज, और उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? किसी से छोड़ो, कभी भी लाइफ में आपको ये एहसास हुआ है कि आप प्यार में हो? अगर हुआ है ना तो इस मूवी को देखना, और अगर नहीं हुआ है ना तब तो ज़रूर देखना। प्यार होता क्या है ना वो पता चल जाएगा। मतलब ये मूवी मैंने देखी, जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो शुरुआत में मेरे मुँह पर एक स्माइल थी। ऐसी स्माइल कॉन्स्टेंट थी जब तक इसका इंटरवल नहीं आया, और इंटरवल के बाद ये स्माइल धीरे धीरे कब आंखों से आंसू बन के बाहर आ गई पता भी नहीं चला। यार इस मूवी को मैं रिव्यू करूँगा क्या, इतना बड़ा हो गया मैं? देखो कभी कभार कोई ऐसी मूवी आती है जिसको देखकर इंसान रो दे, और मेरे को बाकियों का तो नहीं पता लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। इस मूवी में मैं रोया, लेकिन इस मूवी से पिछली मूवी जो थी जो मेरे को याद आ रही है जिसमें मैं रोया था वो थी बजरंगी भाईजान, और उसके भी एकदम एंड के सीन में, जिस सीन में जो बच्ची होती है वो अपने माँ को दोबारा मिलती है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग रो दिए होंगे उस सीन पे, लेकिन उस मूवी में वो एक सीन था। ये पूरी मूवी इसके पूरे सेकेंड हाफ में मैं बस बैठ के रो ही रहा था, इतनी कमाल की ये मूवी है। उस मूवी में एक सलमान थे और इस मूवी में भी एक सलमान है। इनकी एक्टिंग के अंदर मैं कमी निकाल ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिलीवेबल इनकी एक्टिंग है। लेकिन अगर इनके द्वारा प्ले किया हुआ राम पावरफुल कैरेक्टर ना, तो वो पावर तब तक फील नहीं होती जब तक इनके साथ में कृणाल ठाकुर ने जो सीता प्ले की है। देखो अब हम सीधा मैं बात करता हूँ इसकी मूवी की स्टोरी के ऊपर, जो आपने ट्रेलर में देखी है बस उतनी ही बताऊँगा। फर्ज करूँ, राम है और सीता है जो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, और राम को एक संदेश भेजना है अपनी सीता को, और वो संदेश भेजने का काम कर रहे हैं एक हनुमान। हालांकि वो हनुमान इस मूवी में वैसे तो नहीं दिखाया, लेकिन हम कह सकते हैं रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर ने वही रोल प्ले किया है। वो राम का एक संदेश, उनकी एक चिट्ठी सीता को पहुंचाना चाह रही है, और रश्मिका मंदाना बिल्कुल भी नहीं जानती कि राम कौन है और सीता कौन है। थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक वो लेटर को पहुंचाती है सीता के पास, वो दोनों के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करती है, और वही चीज़ हमें भी पता लगती रहती है। और जब पता लगती है तो यार ये प्याज कौन काट रहा है, ऐसी ही फीलिंग आपको भी आएगी, क्योंकि प्याज काटने पे जो असर दिखता है वो आपकी आंखों से पूरी दुनिया को दिख जाएगा। आई मीन नॉट पूरी दुनिया, लेकिन जो भी आपके आसपास बैठे होंगे। स्टोरी इतनी थी, लेकिन क्या ही स्टोरी थी। मतलब जिस तरह मैंने उसको देखा ना और जो रियलाइज किया, मुझे याद नहीं आ रहा कि इस साल मैंने बॉलीवुड की तरफ से, या मैं हॉलीवुड में मिला दूंगा, देखो मैं मान रहा हूँ मैंने शायद इस साल बहुत ज़्यादा मूवी या वेब सीरीज़ नहीं देखी, लेकिन जितनी भी देखी है ना इससे बेटर नहीं है। अब हाँ शायद बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अलग होगा और मेरे से मैच नहीं करेगा, लेकिन यार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, और अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ रख दी जाती है जिसमें भर भर के इमोशन होता है तो मैं बह जाता हूँ भाई, और उसी तरह मैं बह गया। अब मैं अगर बात करूं कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो शायद इतना सब कुछ बोलने के बाद
जरूरत भी नहीं होगी उसको एक्सप्रेस करने की। आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि मेरे लिए मूवी कितनी बढ़िया थी। इस साल की सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवी अगर मैंने देखी है ना तो वो ये। और अगर मेरी लाइफ में कुछ रिग्रेट रहेगा तो यही रहेगा कि यार इस मूवी को मैंने हॉल पे क्यों नहीं देखा जाके। खैर, कमाल की मूवी है, प्लीज़ देख के आओ। अब अंततः अगर मेरे को ये बात करनी है मूवी किन लोगों के बारे में, और इस मूवी की अगर मैं बस एक कमी निकालूं, शायद वो कमी मेरे को महसूस होगी, आप लोगों को ना हो, लेकिन मेरे को मतलब महसूस भी नहीं हुई जब मैं मूवी ख़त्म करके इसके बारे में सोच रहा था, तब एक थॉट आया था मेरे मन में, और वो था इस मूवी के सॉन्ग्स। देखो, ये मूवी ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज में नहीं आई थी, इस मूवी को हिंदी में बाद में डब किया और मैंने हिंदी में ही देखा। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई साउथ की मूवी के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो वो सॉन्ग्स की मतलब कुछ अलग ही बन जाते हैं, उन सॉन्ग्स में वो फील ही नहीं रहती। लेकिन हाँ, इस मूवी में जब भी आप सॉन्ग सुनोगे तो आपको रिलेटेबल लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से ठीक बैठ रहे हैं। लेकिन एक भी सॉन्ग मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था जिसको रिमेंबर कर सकूँ, जिसको याद रख सकूँ कि मूवी ख़त्म हो गई, अब यार ये वाला सॉन्ग एकदम बढ़िया था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अभी कोई भी सॉन्ग याद नहीं आ रहा। बस एक इस कमी के अलावा और मूवी में कोई कमी नहीं है। ये मूवी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एक स्लो पेस्ड और ठीक ठाक मूवी पसंद आती है, जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी कॉमेडी और वो भी ऑर्गेनिक कॉमेडी, ज़बरदस्ती के जोक मार के हंसाई हुई नहीं, बल्कि एक माहौल क्रिएट करके आपको प्रेजेंट की हुई कॉमेडी, साथ ही साथ इमोशन, इम्पैक्ट, ड्रामा, ग्रेट लव स्टोरी और बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, ये सब कुछ अगर आपको देखना है या इन सब में से कोई एक चीज़ भी देखनी है ना, तो यार ये मूवी जाके देख के आओ। और हाँ, अगर आप बस एक्शन के अलावा और कुछ देखना नहीं पसंद करते तो इस मूवी को मत देखना, क्योंकि इस मूवी में एक्शन बिल्कुल नहीं है। ये मूवी अगर आप देख रहे हो ना, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक सीटिंग में देखना। अगर आपके पास एक सीटिंग में बैठने का टाइम नहीं है तो उस टाइम को अरेंज करो कि यार आप 2.5 घंटे की मूवी बैठ के आराम से देख लो। आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, एकदम साफ सुथरी मूवी है, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ देख सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते हो, इवन अकेले देख सकते हो, कैसे भी देखोगे मूवी आपको एंटरटेन करेगी। हाँ, किसी बकचोद दोस्त के साथ अगर आपने देखने की सोची तो उसको बस ये बोल देना, भाई चुप रहियो पूरी मूवी में, वरना मूवी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। वेल, ये था मेरा रिव्यू सीतारमन के लिए, इससे बेस्ट चीज़ नहीं बनी। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले किसी रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।